चले थे, कल ये प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे किया जाता है। तो सिंपली क्या था कि आपको दो मैट्रिक्स रीड करना है, रीड करने के बाद दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं मैट्रिक्स ए रीड करूंगा, सबसे पहले जब आप इसे रन कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला मैसेज आपका प्रिंट होगा कि इंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये परसेंटेज डी की जगह ये वाली वैल्यू चली जाएगी 4, और ये परसेंटेज डी की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3, तो 4x3 दिख जाएगा। उसके बाद आप ए की वैल्यू रीड करेंगे, टोटल 12 एलिमेंट्स आप इनपुट कराएंगे और वो सारे के सारे किसमें जाके स्टोर हो जाएंगे, मैट्रिक्स ए में स्टोर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि दूसरा मैट्रिक्स ऐड रीड करेंगे तो एक और मैसेज दे दे रहा हूं, इनपुट एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स स्कैन है परसेंट डी बी आई जे। ये मैंने कल बताया था कि अगर ये सब स्क्रिप्ट ना लगाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कि ये सिंपल वेरिएबल हो जाएगा, मैट्रिक्स है तो 100% दो स्क्वायर ब्रैकेट होने ही चाहिए, ये चीज हो गया। फिर हमने कहा कि अब दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सिंपली क्या हुआ, मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो ए आई जे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, बी आई जे एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो आउटपुट आएगा वो भी आपका एक मैट्रिक्स आएगा और उसका भी ऑर्डर सेम टू सेम वही होगा जो इन दोनों का है। तो वही चीज है, इसका मतलब यहाँ पे 3 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ए 43, बी 43, सी 43। देखिए सी जो है आउटपुट मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर सेम है, ओके। तो ये कल हम लोग प्रोग्राम पूरा समझे थे, अब इसे रन करा के बस देखना था कि कैसे चल रहा है, तो हमने रन कराया। देखिए पहले क्या आ रहा है, इंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ये मैसेज आ गया आपका। अब इसके बाद ये होल्ड हो गया, ये देखिए व्हाइट कर्सर है, ठीक है, जो ब्लिंक कर रहा है। ये क्यों ब्लिंक कर रहा है, ये इनपुट मांग रहा है, ठीक है, और कितने इनपुट आपको देने पड़ेंगे, टोटल 4x3, मतलब टोटल 12 एलिमेंट्स, 4 रो है 3 कॉलम है, एक रो में 3 एलिमेंट होगा, तो चलिए दे दीजिए कोई भी 3 देते जाइए, ये 3 एलिमेंट, मतलब आपने 4 रो दिया 3 कॉलम, टोटल 12 एलिमेंट ये आपने इनपुट कराया, और ये सारे के सारे कहां जाएंगे, मैट्रिक्स ए में जाएंगे, ओके। अगर हम कहें कि ये कौन सा, तो ए 00 है, ये ए 01, ए 02, ए 10, 1112, ओके, ये सारे जाके मैट्रिक्स ए में स्टोर हो गए, ओके। हाँ, कल हमने बताया था कि आप ये सोच सकते थे कि मान लो ए और बी एक ही लाइन में स्कैन कर ले, परसेंट डी एंड ए आई जे एंड बी आई जे, ओके, गलत नहीं होगा। दिक्कत क्या होगी, ठीक है, जब आप इनपुट रीड करेंगे तो दिक्कत क्या है, ठीक है, पहला ए आई जे, दूसरा बी आई जे, अब यहाँ पे बगल में बी आई जे लिखा होगा, मतलब जो पहली वैल्यू 1 दी होगी वो ए 00 पे जाएगा और दूसरा वाला बी 00 पे जाएगा, तीसरा वाला ए 01, चौथा वाला बी 01, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किसमें गया है। इस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने जितना दिया सब के सब मैट्रिक्स ए में ही गए, ओके। तो ये चीज है, नो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए 00, ए 01, ए 02, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये सारे के सारे कहाँ है, मैट्रिक्स ए में गए हैं। अब बात करते हैं, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसके बाद एक मैसेज दिया इंटर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ओके। हाँ, एक चीज और है, ये नौ लिखा जाए तो क्या गलत है, नहीं सही है, तब भी प्रोग्राम रन करेगा। ये लिखने से फायदा क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया कि ये जो आपने दिया है वो मैट्रिक्स ए का है और जब अगला देंगे वो मैट्रिक्स बी का होगा, ओके, तो यूजर फ्रेंडली ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो चलिए दे देते हैं 1 2 1 1 1, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट छूट गया, चलो वो लास्ट में दे देंगे। ये ध्यान रखना, ये ए 00 है, ये ए सॉरी बी 00, बी 01, ये बी 02 होगा, ये ए 10, बी 10, बी 11 होगा, ओके, इसीलिए मैं यहीं पे कंटिन्यू कर दे रहा हूं, से 1 हो गया, ओके। ये एलिमेंट जो यहाँ दिया गया वो वास्तव में यहाँ पे होगा, ओके। चलो अगला दे देते हैं, कोई भी एलिमेंट दे दीजिए, फिर ये दे दिया, यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा होगा, देखो कैसे 1+1, मतलब पहला वाला पहले से ऐड हुआ, ये देखो 2 आ गया, लेकिन अब यहाँ पे देखो पता नहीं चल रहा आउटपुट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, लग रहा है कि ये भी मैट्रिक्स में कंटिन्यूड है, ओके। तो कैसे और अच्छा बनाया जाए, हमने कहा जब आउटपुट प्रिंट करा रहे हो तो उसके प्रिंट कराने से पहले एक मैसेज दे दो ना कि ये आउटपुट है आपका, ओके, प्रिंट एफ
स्लैश एंड आफ्टर एडिशन आउटपुट स्लैश एंड अब रन कराते हैं, देखिए वन 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 कुछ भी दे सकते हैं, मैं वन 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 दे रहा हूं, वन वन ये मैट्रिक्स ए हो गया, मैट्रिक्स बी टू 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 हो गया। अब देखिए जब आप इनपुट करेंगे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आफ्टर एडिशन आउटपुट थ्री 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 थ्री, देखिए ये इसमें ऐड हुआ, ये इसमें ऐड हुआ, ये इसमें करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड हो गई, आपका आउटपुट आ गया थ्री 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 थ्री। ये तो दो मैट्रिक्स को जब आपस में ऐड करेंगे तो सिंपली क्या है कि आप दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम लीजिएगा। ओके सबसे पहले स्कैन कर लीजिए मैट्रिक्स ए, फिर दूसरा मैट्रिक्स बी, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। ओके प्रिंटअप का मतलब समझ में आया होगा आपको, केवल कुछ नहीं करता है सिर्फ आउटपुट को अच्छे से डिस्प्ले कराता है, प्रिंट करा देते हैं तो ताकि समझ में आता है कि कौन इनपुट ए है कौन इनपुट बी है। नहीं लगाओगे तभी प्रोग्राम रन करेगा, बस दिक्कत क्या होगी कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा इनपुट ए का है कौन सा बी का है। ओके अब बात कर रहे हैं एडिशन जैसे है सेम वैसे सब्ट्रैक्शन होगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी क्या करता है कि भाई पहला वाला पहले से माइनस होगा, दूसरा वाला दूसरे से माइनस होगा, तीसरा वाला तीसरे से माइनस होगा। ओके लेकिन मल्टीप्लाई करते समय ये नहीं कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा। ओके ये ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई कभी भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में नहीं होता है, मतलब ए जीरो जीरो केवल बी जीरो जीरो में मल्टीप्लाई होकर सी जीरो जीरो में स्टोर नहीं होता है। ओके मल्टीप्लीकेशन क्या हो कैसे होता था कि अगर आपको सी जीरो जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का पूरा रो का सारा एलिमेंट्स सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, मतलब ए जीरो जीरो बी जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए जीरो वन बी वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा और उसी में ऐड हो जाएगा, ए जीरो टू बी टू जीरो से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। ठीक है तो ये चीज है, तो मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट नहीं लिखिएगा कभी भी, प्लस माइनस डायरेक्ट हो सकता है, ये चीज है। ओके तो ये हो गया आपका फोर क्रॉस थ्री, लेकिन कभी भी हम फोर क्रॉस थ्री के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि हो सकता है कोई कहे मैं पांच फाइव क्रॉस फाइव पे जोड़ना चाहता हूँ, कोई कहे मैं सेवन क्रॉस सेवन जोड़ना चाहता हूँ, कोई कहे मैं टू क्रॉस टू ही जोड़ना चाहता हूँ, तो बार बार यहाँ पे ऑर्डर बदला जाए ये प्रोग्राम अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि आप ऑर्डर बार बार चेंज करेंगे तो प्रोग्राम में हर जगह बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जिसमें ऑर्डर पहले पूछा जाए कि बताइए आप किस ऑर्डर पे काम करना चाहते हैं। ओके और वो ऑर्डर दे उसके बाद उस ऑर्डर पे वो काम करे। नहीं तो हमने कहा भाई चलो इसको हम वेरिएबल के लिए बना लेते हैं, एम क्रॉस एन पे बना लेते हैं। ठीक है चलो सबसे पहली बात एम एन, अब दोनों का अलग अलग ऑर्डर ले लेते हैं। मैंने कहा कि मान लो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, एक ऑर्डर एम क्रॉस पी है एंड सेकेंड का ऑर्डर मान लो पी क्रॉस क्यू है, तो पहली बात ये बताओ क्या दोनों को जोड़ा जा सकता है? अगर जोड़ा जा सकता है तो जोड़िएगा, अगर नहीं जोड़ा जा सकता है तो मत जोड़िएगा। ये मतलब दो मैट्रिक्स दिया जा रहा है, दोनों का ऑर्डर आपको अलग अलग बताया जाएगा, आपको बताना है क्या दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते, ये क्वेश्चन। ओके लेकिन मैट्रिक्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ठीक है जब तक ठीक है दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा आप दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। तो अगर एम क्रॉस एन है पी क्रॉस क्यू है, इसको कब जोड़ पाएंगे? जब एम बराबर पी होगा और ठीक है जब एन बराबर क्यू होगा, पहला कंडीशन, पहले का ट्वेल है अगर पहले का रो दूसरे के रो के इक्वल है और पहले का कॉलम दूसरे के कॉलम के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है,
दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने का मतलब भी क्या है कि रो बराबर रो और कॉलम बराबर कॉलम, तो सबसे पहले ये चेक कर लेना क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, अगर सेम होगा तो जोड़ेंगे, अदरवाइज ठीक है हम सिंपली लिख देंगे कि भाई दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है ये चीज, तो ये काम करना है आपको। तो सबसे पहले हमने कहा कि चलो m क्रॉस n है, दूसरे का ऑर्डर p क्रॉस q है, p क्रॉस q है, अब c कितने का बनेगा कुछ भी बना लो, m क्रॉस n बना लो चाहे p क्रॉस q बना लो, क्योंकि भाई जब दोनों सेम होगा तभी ऐड करेंगे ना, तो हम m क्रॉस n का बना दें। अगेन यहां पे आप p क्रॉस q भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि जोड़ेंगे तभी जब ये सेम होंगे। आप अगर चाहे तो इसको यहां ना डिक्लेयर करके, कंफ्यूजन हो रहा तो बाद में ही डिक्लेयर कर लेंगे कि जब भैया सेम होगा तो मैट्रिक्स सी लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, यहां से हटाई दे रहा है। ओके सबसे पहले हमने कहा कि ए मैट्रिक्स को रीड करेंगे तो एम माइनस वन, ठीक है दूसरा क्या होगा एन माइनस वन, मैट्रिक्स ए हो गया। ओके अब बात कर रहे हैं ठीक है बी अगर रीड करेंगे तो वो क्या होगा पी माइनस वन और दूसरा होगा क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन। ओके लेकिन ए भी तब बनेगा ना, हाँ तो चलो क्या हुआ कि सबसे पहले एम एन है पी क्यू है, तो हमने मैट्रिक्स ए रीड कर लिया, मैट्रिक्स बी रीड कर लिया, एम माइनस वन एन माइनस वन, और यहां पर हो जाएगा पी माइनस वन क्यू माइनस वन। लेकिन ये मैट्रिक्स तब ना बनेगा जब हम एम एन की वैल्यू देंगे, क्योंकि सबसे पहले हम चार वेरिएबल ले रहे हैं। ये हो गया, एक मैसेज दे रहा है प्रिंट एफ इंटर ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, स्कैन एफ परसेंट डी एंड पी एंड क्यू। ओके और फिर लिख दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये एम एन कर लीजिए दूसरे का पी पी क्यू। अब देखिए सबसे पहले हमने कहा कि आपको एम एन बनाना है पी क्यू बनाना है, तो सबसे पहले एम एन की वैल्यू दे दीजिए। तो हमने कहा भैया पहली वैल्यू स्कैन कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, एम एन की वैल्यू जितना दोगे उतना मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पी क्यू बनाना है तो पी क्यू की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है तो आपने पी क्यू की वैल्यू जितना देंगे उतना मैट्रिक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स बन चुका होगा। ओके लेकिन दो मैट्रिक्स को कब आप जोड़ पाएंगे, जब एम बराबर एन होगा एंड P बराबर Q होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे तब हम जोड़ने का मतलब तभी वैल्यू दीजिएगा और तभी जोड़िएगा। ओके अगर दोनों इक्वल नहीं है, ओके जैसे मैंने कहा फर्स्ट का रो ठीक है सेकेंड के रो के इक्वल नहीं है, ओके अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या जरूरत है दो मैट्रिक्स को रीड करने का, जब जोड़ ही नहीं सकते तो रीड करने की क्या जरूरत है। ओके तो वही चीज है, हमने कहा अगर ये दोनों इक्वल होगा तब रीड करना, ओके रीड करना, रीड करने के बाद दोनों को जोड़ना, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो सिंपली क्या लिख देना कि भाई दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए मैट्रिक्स का एडिशन हम कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। हमने लिखा अगर पहले का रो दूसरे के रो के इक्वल है, पहले का कॉलम दूसरे के कॉलम के इक्वल है, तो हम दोनों मैट्रिक्स को रीड करेंगे और रीड करने के बाद जोड़ देंगे। ओके अब इक्वल है तो चाहे एम माइनस वन लिखो और चाहे पी माइनस वन लिखो चाहे क्यू माइनस वन, क्योंकि दोनों सेम चीज है। देखो एम बराबर
एम बराबर पी और ये होगा एन बराबर क्यू। ओके, पहले का रो दूसरे के रो के इक्वल, पहले का कॉलम ठीक है दूसरे के कॉलम के इक्वल। अगर इक्वल है तो दोनों को रीड करेंगे, रीड करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। ओके, अब बताओ ठीक है कि जो आउटपुट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा। तो जाहिर सी बात है ठीक है, जो आउटपुट मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, एम क्रॉस एम या पी क्रॉस क्यू, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चीज आपस में इक्वल है। आप यहाँ एम लिखिए चाहे पी लिखिए, दोनों चीज सेम टू सेम है ठीक है। तो हम कोई भी आप लिख सकते हैं एम, और दूसरा लिख दे रहा हूं मैं ये चीज, सी मैट्रिक्स आप ले लीजिए। ओके, जोड़ लिया, ये सारा काम इफ के अंदर कर दिया मैंने, इसको ये पूरा काम आप इफ के अंदर हो गया। अब ये ध्यान दी, ये किसका है? तो देखो यहां पे रेड हुआ है ठीक है, देखते हैं ऊपर कहां रेड हो गई, ये इफ की बॉडी हो गई, पूरी इफ की बॉडी है ये पूरा इफ के अंदर डाल दिया ठीक है। रीड करना ठीक है, दोनों को रीड करना, जोड़ना, सब इफ के बॉडी के इनसाइड डाल दिया हूं ठीक है। यहां पे इफ खत्म हो गया तुम्हारा, ये इफ खत्म हो रहा है। जहां इफ खत्म होगा, ये तो तब की बात हुई ना ठीक है, जब दोनों इक्वल होगा। अगर नहीं इक्वल है तो किसके पास जाए, एल्स के पास जाए, और क्या लिख दे, प्रिंट एफ एडिशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये सिंपली लिख। हाँ, एक बार देख लो सिल, सबसे पहले मैंने कहा दो मैट्रिक्स के ऑर्डर अलग अलग हैं, आप पहले दोनों को स्कैन कर लीजिए ठीक है। तो हमने कहा पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर इतना हो गया, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर इतना हो गया। अब हमने कहा दोनों मैट्रिक्स क्रिएट कर दीजिए ठीक है, दोनों मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। क्रिएट करने के बाद हमने कहा कि भाई जोड़ना है ठीक है, तो जोड़ेंगे तब ठीक है जब दोनों के ऑर्डर इक्वल होंगे। ऑर्डर इक्वल का मतलब रो बराबर रो, कॉलम बराबर कॉलम हो ठीक है। अगर एम बराबर पी है, एन बराबर क्यू है, तब हम दोनों को रीड करेंगे, और रीड करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो आउटपुट मैट्रिक्स भी बनेगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, तो या तो पी क्रॉस क्यू का होगा या तो एम क्रॉस, और सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों इक्वल है ठीक है। तो आप एम क्रॉस एन ले लीजिए चाहे पी क्रॉस क्यू ले लीजिए। तो मैट्रिक्स ए रीड करिए, मैट्रिक्स बी रीड करिए, दोनों को जोड़िए। लेकिन अगर ये गलत हो जाता है पहली बार में ही, तो ये अगर कोई भी गलत हो गया तो अंदर नहीं जाएगा, तो जाएगा कहां, जहां इफ खत्म हो रहा है उसके बाहर। इफ कहां खत्म हो रहा है, देखो यहां खत्म हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, एल्स के पास लिख देगा नॉट पॉसिबल। चलो रन कराते हैं, ऑर्डर ही गलत दे रहे थे, 3 4 ओके 5 7 देखिए दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, सिर्फ आंसर आ गया एडिशन इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों को ऑर्डर डिफरेंट आपने दे दिया तो सिंपली मैसेज आ जाएगा एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर दोनों का ऑर्डर सेम देंगे तभी एडिशन करेगा, जैसे हमने कहा 2 क्रॉस 3 का है, दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का है। अब देखो इफ के बॉडी के इनसाइड गया होगा। ओके, यहां गड़बड़ हो गया है, 4 क्रॉस 3 दे रहा है, ये क्यों गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हमने एम एन लिया है, तो यहाँ पे भी आपको एम एन करना पड़ेगा, एम एन, और यहां पे भी एम एन करना पड़ेगा, एम 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 एंटर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रो 3 कॉलम 1 1 1 इंटर सेकेंड मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 आउटपुट जितना इसमें है सब में एक ही कैड हो जाएगा, तो 2 3 4 5 6 7 ये आंसर आएगा। हो गया, ये प्रोग्राम सबसे अच्छा प्रोग्राम, इसमें सब कोई भी यूजर कोई भी इनपुट दे सकता है, और कोड भी जब इनपुट देगा तो कोई भी किसी भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का कि आप एडिशन कर सकते हैं। ओके, सबसे अच्छी बात कि अगर आप ऑर्डर अलग अलग देते हैं तो उस केस में ये आउटपुट आपको एक दे देगा कि एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है आपका डिफरेंट, ये चीज। तो जैसे एडिशन है वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते, बस एम क्रॉस एन और पी क्रॉस क्यू पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे एग्जाम में ऐसा कोई कंपल्सन देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है, कुछ नहीं देता है ठीक है, केवल लिखता है राइट प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो अब आप फ्री हैं, आप मन करे जिस ऑर्डर का बना सकते, 3 क्रॉस 3 का बना, तब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको एम क्रॉस एन ही का बनाना है,
आप जिस ऑर्डर का बनाना चाहें 3x3, जब 3x3 का बनाएंगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको, ये सब नहीं रहेगा, ये कंडीशन नहीं रहेगा, सिर्फ आप 3x3 लेंगे, तीनों मैट्रिक्स लेंगे, 3x3 यहाँ पे 2x2 कर लेंगे, बाकी तुरंत आसानी से बन जाएगा, नहीं होगा ना एल्स होगा, क्योंकि ऑर्डर आपने तुरंत स्टार्टिंग में ही सेम ले। तो ये हो गया मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स को दो प्रोग्राम हो गया, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, तीन प्रोग्राम हो गए। दोनों में अंतर क्या है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स एक ही मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को जोड़ना है, तो सम बराबर सम प्लस AIJ, सम बराबर सम प्लस AIJ, दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है, मतलब CIJ इक्वल टू AIJ प्लस BIJ, ये हुआ दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ने का मतलब, कि दो मैट्रिक्स अलग अलग दिए जाएंगे, उन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ओके चलिए अगला प्रोग्राम, इसी में आगे बढ़ते हैं, सम राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके क्या कर रहा है, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। ओके ये है, तो बता दे रहा हूं मैं, अब बात कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो मैट्रिक्स में डायगोनल होते कितने हैं, ठीक है, तो दो डायगोनल होते हैं, ये वैसे मैं पैटर्न पढ़ाया था तो बताया था आप लोगों को, एक होता है मेजर डायगोनल और एक होता है माइनर डायगोनल, ओके, प्रिंसिपल डायगोनल और माइनर डायगोनल, ओके। अब होता क्या है, पहली बात, जब भी डायगोनल होगा वो किसके अंदर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होगा, ये सबसे बड़ी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर डायगोनल आप सम नहीं निकाल सकते, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो सबसे पहली बात स्क्वायर होना चाहिए, तो चलो 4x4 का ले लेते हैं एक मैट्रिक्स, ओके, एक 4x4 का है और एक 3x3 का ले लेते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3x3 और एक ले लेते हैं हम 5x5 या 2x2 का ले लेते हैं, 2x2 ये हो गया आपका 4x4, ये हो गया तुम्हारा 3x3 और ये हो गया 2x2। चलो नंबरिंग की बात कर लेते हैं, डायगोनल की पहचानने का सबसे बड़ी बात कि इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, डायगोनल का इंडेक्स होता है कितना है? तो ये देखो ये क्या होगा, मैं नंबरिंग लिख दे रहा हूं, वैसे आपको पता होगा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1, ये 2 होगा और ये 3 होगा, सेम ऐसे ही ये भी 0 से स्टार्ट होगा, रो भी 0 1 2 3 हो गया, इसका नंबरिंग कितना होगा, 0 0 0 0, ये होगा आपका 1 1, ये होगा 2 2 और ये होगा 3 3 3। इसे कहते हैं, ये जो डायगोनल दिख रहा है इसे कहते हैं प्रिंसिपल या मेजर डायगोनल, इसको कहा जाता है मेजर डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, और जो ये वाला डायगोनल होगा उसे कहेंगे माइनर डायगोनल। तभी हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब, ठीक है, ये वाला है, इन्हीं को आपस में जोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे जो रखा है उसको इसमें जोड़ दो, ठीक है, आंसर जो आ रहा है उसमें ये जोड़ दो, ठीक है, जो आंसर आ रहा है उसमें ये वाला जोड़ दो, मतलब ये प्रिंसिपल को आपस में जोड़ दो। ओके
यहाँ पे भी क्या होगा 001122, ठीक है 0011, तो कुछ खासियत दिख रही होगी, ठीक है। डायगोनल की पहचान है, क्या पहचान है कि रो और कॉलम दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, जो इंडेक्स होता है ठीक है वहां पे रो और कॉलम दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, तो 00 है तो वही 11 है, अगर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, ओके। तो पहली पहचान क्या होगी प्रिंसिपल की, अगर रो आई को मान रहे हो ठीक है तो प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान क्या होगी कि आई बराबर जे, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान, ओके। तो इफ आई बराबर जे इट मीन्स दैट इज प्रिंसिपल एलिमेंट, ओके। लेकिन प्रिंसिपल पहचाना आसान है, लेकिन माइनर अगर या मेजर पहचाना आसान है, माइनर को थोड़ा देखते हैं, ओके। अब माइनर का इंडेक्स हम लोग नोट करते हैं, ओके। ये कितना होगा 03, ये कितना होगा 03, ये हो गया 12, ये होगा ठीक है 21, ये होगा मेरा 21, ये होगा 30, इसमें पहचानते हैं ये होगा 02, ये होगा 11 और ये होगा 20। अगर ये 5x5 का होता, मान लो अगर ये 5x5 का होता, 5x5 का मान लो 5x5, तो लास्ट वाले का इंडेक्स कितना होता है 04, लास्ट वाले कितना होता है 0 से लेकर 4 तक गया होता है तो ये 04, ये वाला कितना होता है 04, ये हो गया, ये कितना होता है 13, माइनर केवल पहचान रहा हूं, ओके। ये वाला कितना होता है 22, ये कितना होता है 31, और ये लास्ट वाला, ये वाला कितना होता है 40, ओके। अब थोड़ा सा आई और जे में रिलेशन देखते हैं, कि रिलेशन क्या बन सकता है 03 11 21 30, यहाँ पे 02 11 20, 04 13 22 31 40, ओके। कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, अगर आप घटने और बढ़ने में दिखेंगे तो दिक्कत होगा कि आई बढ़ रहा है जे घट रहा है, ठीक है। तो देखो ऊपर से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, नीचे से देखोगे कुछ और दिखेगा, ओके। तो माइनर की पहचान देखते हैं, ठीक है क्या पहचान है, ओके। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो, कितना आया 3, इसको जोड़ो 3, इसको जोड़ो तब भी 3 आ रहा है, इसको जोड़ो तब भी 3 आ रहा है, मतलब इस केस में आई प्लस जे करने पे आंसर कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, आई प्लस जे बराबर 3 आ रहा है। इसमें जोड़ते हैं 2 आ रहा है, आई प्लस जे इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 2 आ रहा है, 2, ओके। इसमें जोड़ते हैं 4, मतलब हर जगह 4 आएगा, ओके। क्या आ गया I प्लस जे इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, कि I और J जोड़ने पे इस केस में 4x4 का है तो 3 आ रहा है, 3x3 का है तो 2 आ रहा है, 5x5 का है तो 4 आ रहा है, 7x7 का होगा तो 6 आएगा, ओके। मतलब I प्लस जे करने पे जितना ऑर्डर है उससे एक कम आ रहा है, ये होता है पहचान माइनर का। माइनर क्या कहता है कि अगर आप माइनर एलिमेंट्स के जो भी माइनर डायगोनल में है, अगर उसके इंडेक्स को आपस में जोड़ा जाए तो वो इंडेक्स की वैल्यू कितनी आती है मैट्रिक्स में, जितना ऑर्डर होता है उससे कम आता है। अगर 4x4 का है तो 3 आएगा, 5x5 का है तो 4 आएगा, और 7x7 का है तो 6 आएगा, ये पहचान होती है माइनर की, ओके। तो मैंने दोनों पहचान लिया, मेजर कैसे करेंगे माइनर कैसे करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 4x4 का, ओके, एक आई और एक जे, आपस में जोड़ना है तो याद रखिए सम लेना ही पड़ेगा, जब भी आपस में जोड़ना होगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स रीड करेंगे, तो लिखा प्रिंट एफ इंटर मैट्रिक्स
इंटर मैट्रिक्स करेक्ट करना, इंटर मैट्रिक्स ऑफ 4x4 लेसन, और इसकी वैल्यू स्कैन कर लेना, स्कैन एफ परसेंट डी एंड ए ऑफ आई जे. अब जब ए ऑफ आई जे आ गया तो 100% तो लूप चलेगा, फॉर आई इक्वल टू जीरो प्लस प्लस एंड दिस इज योर फॉर j इक्वल टू जीरो j लेस देन इक्वल टू 3 j प्लस प्लस. ये स्कैन एफ उसके अंदर हो जाएगा. हाँ, अगर हमने ये लिख दिया सम बराबर सम प्लस e ऑफ आई जे, e ऑफ आई जे बिना किसी कंडीशन के, तो इसका मतलब क्या है, रीड करेगा जोड़ देगा, रीड करेगा जोड़ देगा, मतलब सारे एलिमेंट को जोड़ देगा. ये प्रोग्राम आप पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप बिना किसी कंडीशन के सम बराबर सम प्लस ए आई जे लिखते हैं तो रीड करो जोड़ो, रीड करो जोड़ो, सबको नहीं जोड़ना है. ओके, सबको नहीं जोड़ना है, सिर्फ मेजर और माइनर को जोड़ना है. ठीक है, कभी हम मेजर देख लेते हैं, इफ ओके आई इक्वल टू जे, बस इसके ऊपर एक कंडीशन लिख दीजिए. अगर आई बराबर जे है, ठीक है, तो इसका मतलब मेजर होगा, अगर मेजर होगा तभी जोड़िएगा, ये हटा दिया इसका मतलब सबको जोड़ेगा. ये कंडीशन आपने लिख दिया, इसका मतलब केवल आई बराबर जहां इंडेक्स इक्वल होगा वहीं जोड़ेगा. तो ये केवल मेजर का सम है, सम की वैल्यू प्रिंट करा दिया यहां पे, प्रिंट एफ परसेंटेज बी, यहां लिख दे रहा हूं मेजर बराबर सम, ये हो गया, रन कराइए. देखिए 4x4 का मैट्रिक्स दे रहा हूं, 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, मेजर जोड़ते हैं, 4 1 5 3 8 8 8 16 ठीक है, मेजर का कितना आ गया 60 ओके. अगर यही माइनर जोड़ना होता तो कहां चेंज कर देते, ये कंडीशन बस चेंज कर देते, क्या आई प्लस जे बराबर कितना आएगा, 4x4 का है, अगर 4 माइनस 1 कितना आएगा, 4 माइनस 1 ठीक है, या 3 डायरेक्ट लिख दीजिए. देखिए अब माइनर का आएगा, 1 2 3 4 माइनर देख लेते हैं, 6 4 10 7 17 प्लस 1 18 देखो मेजर यहां चेंज कर लेना, मैसेज माइनर बराबर 18, ये मेजर और माइनर के लिए हो गया. लेकिन हमने बताया केवल 4x4 पे, अगर आपसे कहा जाए कि m क्रॉस n पे बनाना हो अगर, तो यहां पे चेंज करना पड़ेगा m और ये करना पड़ेगा n, लेकिन तब दो वेरिएबल लेना पड़ेगा int m n, और इसकी वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी, इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्लैश n स्कैन f, एंड एम एंड ये हो गया. एक चीज और, कब हम डायगोनल का सम निकाल सकते हैं, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब इफ एम इक्वल टू एन, जब एम एम और एन की वैल्यू इक्वल होगी तभी आपको ये सारा काम करना है. ओके, अगर इक्वल नहीं है तो सिंपली एल्स लगाइएगा नीचे.